पांडवों का हथियारवास और वनवास समाप्त होने के बाद उनके शांतिपूर्ण बन करके कौरव की सभा में आते हैं और पांडवों का अधिकार मांगने का प्रयत्न करते हैं। वह पांडवों की ओर से शांतिपूर्ण बनकर जाते हैं और दुर्योधन आदि जो कौरव थे उनसे उनके अधिकार की बात करते हैं। वो कहते हैं वर्षों तक वन में रूप रूप माधव दिनों को चूम रूप तक रूप भाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और इधर सौभाग्य रस अपनी सोदा है देखें आगे अब क्या होता है। फिर कहते हैं मैत्री की राह बताने को सब कुछ मार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण ध्वंस बचाने भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर सारे गुरु बैठे हुए हैं विश्वामित्र आचार्य द्रोण कृपाचार्य विदुर धृतराष्ट्र बहुत सारे लोग हैं उनके सामने आते हैं और पांडव का जो संदेशा सुनाते हैं वो कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती को मानो हम वही खुशी से खाएंगे परिजन हसी न हो पाएंगे परिजन पर हसी है ना। अगर तुम हमें न्याय देना चाहते हो केवल 5 गांव हमें दे दो, अगर न्याय देना चाहते हो तो आधा राज्य हमें दो और अगर नहीं देना चाहते हो केवल 5 गांव दे दो हम उससे भी संतुष्ट हैं हम नहीं देना चाहते। दुर्योधन लेकिन दुर्योधन बल भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने सिरे से उसको इनकार कर दिया 5 गांव में दुर्योधन नहीं दे पाया कृष्ण को और उल्टा क्या कर रहा है जो समस्त जगत को धारण किए हुए है जगत का जो आधार है उसको वो बांधने के लिए आया है बांधने के लिए उसने सैनिकों को आज्ञा दे दी है। कृष्ण कहते हैं कभी कहते हैं हरि ने भी हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया बोले भगवान होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हाहा दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझमे लय है गगन भगवान दिखाई अपना विराट बोले यह देख गगन मुझमे लय है यह देख पवन मुझमे लय है मुझमे जनकार सकल मुझमे लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमे संहार धूलता है मुझमे उदया जल मेरा अधिकाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिधि बंध को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं पग पैर मैना पर्वत तो निकर सब है मेरे के अंदर जिन्हें भी तुम्हें दक्षिण दिख रहे हैं उत्सव के सब भगवान के अंदर विराजमान। और देखो दिख हो तो दृष्ट प्रकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चल अचल जीव जब क्षर अक्षर नस्वर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित क्षर सिंह मन हम एक शतकोटि जन्म दिनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड भर लोकपाल जंजीर मुखासर साधे ने आहा दुर्योधन केतल पाताल देख रत पूरे जगत का तीनों काम के अंदर दिख रहे हैं भूलो नक्कर पाताल देख रत अगर यार चार देख यार चार या देख महाभारत का मृतकों से पड़ी हुई पहचान इसमें कहां तू उन्होंने यहां पर पढ़ा है ना। इसके बाद कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख देख मेरे पैर नीचे पाताल लगा हुआ है अंबर में तुम सर जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप खिराल देख सब जग मुट्ठी से पाले हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिह्वा से करती ग्वाल सघन सांसों में पाता जन्म भवन पड़ जाती मेरी दृष्टि हंसने लगती है सिख उधर मैं गरीब हूं ना हूं लोचन छा जाता जाड़ो हो मरण तो भगवान अब आया गंभीर वही क्या लाया है ये मुझे बांधना चाहे भाई पहले तो बाल अनंत गगन सुने को साध न सकता है पर मुझे बांध कब बढ़ता है हित वचन नहीं तुमने माना तो हित के तक पांच गांव के ढोल भीषण संघार को बच जाएगा उनकी नदियां नहीं बनेंगी भाई भाई का सबको नहीं काटेगा एक से पर बांध नहीं चलाएगा तुमने माना नहीं कह रहे हैं कि हित वचन नहीं तुमने माना मंडी का मूल का पहचाना लो तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ क्या अंतिम संकल्प कहते याचना नहीं अब रण होगा याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी पत्थर फल से नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा कि ऐसा ही लूटेंगे भाई पर भाई लूटेंगे से लूटेंगे पायस फिगाल सुख लूटेंगे प्रभात पूंज के पीटेंगे आखिर कुभूषाई होगा हिंसा पर दाही होगा पूरा डायग्राम के सब आनंदित हो जाएंगे क्यों पिकनी नदियां बहेंगी बढ़िया उनको भोजन पानी मिलेगा है ना। उसके बाद क्या होता है थी सभासन इतना जो पूरा दृश्य हुआ तो एकदम सभासन में पड़े थी सभासन धरे सुख के आते बेहोश पड़े
खड़े प्रभु निर्भय गांव पुकारते हैं जय जय।